हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम प्यास खां का जीवन परिचय और संगीत में इनका क्या क्या योगदान रहा है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यास खां का जन्म हुआ है, वो हुआ है 1886 में सिकंदरा आगरा में हुआ और मृत्यु उनकी हो गई 5 नवंबर 1950 बड़ौदा में। ध्रुपद तथा ख्याल गायन शैली के सर्वश्रेष्ठ गायक थे। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध में जिन संगीतज्ञों की गणना शिखर पुरुष के रूप में की जाती है उनमें प्यास खां का नाम भी शामिल है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना और ठुमरी आदि इन सभी शैलियों की गायकी पर उन्हें कुशलता प्राप्त थी। प्रकृति ने उन्हें गंभीर कंठ का उपहार तो दिया ही था, इसके साथ ही वह अपने मधुर स्वरों से श्रोताओं पर रस बरसाते थे। इनका जीवन परिचय। प्यास खां का जन्म सन 1886 में आगरा रंगीला घराना के नाम से विख्यात ध्रुपद गायकों के परिवार में हुआ था। इनके जन्म से लगभग 3 माह पूर्व ही इनके पिता सफदर हुसैन खां का निधन हो गया था। जन्म से ही पितृविहीन बालक को उनके नाना गुलाम अब्बास खां ने अपना दंतक पुत्र बना लिया था। इनकी जो शिक्षा रही उसके बारे में, इनके नाना ने पालन पोषण के साथ साथ संगीत की शिक्षा भी इन्हें दिलाई। प्यास खां की विधिवत संगीत शिक्षा उस्ताद गुलाम अब्बास खां से आरंभ हुई थी। ये इनके गुरु और नाना तो थे ही, गोद लेने के कारण पिता के पद पर भी प्रतिष्ठित हो चुके थे। प्यास खां के पिता का घराना ध्रुपदियों का था। अंत ध्रुपद अंग की गायकी इन्हें संस्कारग्रत प्राप्त हुई थी। आगे चलकर प्यास खां ध्रुपद के नोम तोन के अलापों इतने दक्ष हो गए कि संगीत समारोहों में उनके समृद्ध अलाप की फरमाइश हुआ करती थी। नोम तोम अलापों में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए थे और बहुत अच्छा गाते थे। इनका व्यक्तित्व के बारे में हम चलो पढ़ते हैं। प्यास खां का व्यक्तित्व भी बहुत खास था। 6 फीट ऊंचे, छल्लेदार मूंछे, हष्टपुष्ट शरीर, शेरवानी और साफे की पोशाक में उनकी शख्सियत अपना अलग ही मुकाम रखती है। उनकी आवाज सुरीली, बुलंद और भरावदार थी। स्वरों पर स्थित हो जाना प्यास खां के गायन की प्रमुख विशेषता थी। संगीत साधना। प्यास खां के नाना का घराना ख्याल गायकों का था। नाना ने बचपन से ही इन्हें कठोर यास करवाया। संगीत घरानों में संगीत शिक्षा के लिए एक कठोर व्रत का पालन शिष्य से कराया जाता है, जिसे चिल्ला कहा जाता है। इस व्रत के अनुसार शिष्य को नियंत्रण 12 वर्ष तक प्रतिदिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक संगीत का अभ्यास करना होता है। प्रशिक्षण की इस अवधि में प्यास खाने स्वर साधना, ध्रुपद और होरी गायन का कठिन अभ्यास किया। 25 वर्ष की आयु तक वे लोकप्रिय होने लगे थे। उनकी गायकी पर अपने नाना गुलाम अब्बास खां के अतिरिक्त तत्कालीन महान गायक नत्थन खां, जयपुर के अब्दुल खां और सेनिया घराने के अमीर खां भी प्रभाव था। प्रसिद्धि। पिछली शताब्दी में पूर्वार्ध तक के 4 दशकों तक उस्ताद प्यास खां देश में आयोजित होने वाले संगीत समारोह के प्राण हुआ करते थे। संगीत प्रेमियों को सम्मोहित कर लेने की अद्भुत क्षमता उनकी गायकी में थी। उस दौर में उन्हें जन सामान्य की ओर से महफिल के बादशाह के नाम से पुकारा जाता था। वर्ष 1930 के आसपास प्यास खां ने कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के निवास स्थान जोरा साह को ठाकुर बाड़ी में आयोजित संगीत समारोह में भाग लिया। समारोह के दौरान वे रविंद्रनाथ ठाकुर से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
शायर की उपाधि दी। सम्मान, इनको कौन कौन सा सम्मान मिला है? अपने प्रभावशाली संगीत से प्यास खां ने देश के सभी संगीत केंद्रों में खूब यश अर्जित किया। उनकी ख्याति के कारण बड़ौदा राज दरबार में संगीतज्ञ के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। यहां पर इन्हें ज्ञान रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1938 में उन्हें मसूर दरबार से अफ्ताब ए मौसकी संगीत के सूर्य की उपाधि से नवाजा गया। गायन कुशलता, उस्ताद प्यास खां की गायकी में जवारीदार स्वर, राग दरबारी का गंधार राग श्री का ऋषभ और अनूठी लयकारी श्रोताओं को सम्मोहित करती थी। बोलतान में गीत की पंक्तियों का चमत्कारिक प्रदर्शन वे किया करते थे। वे स्वर भाषा अर्थ भाव लय सभी का भरपूर आनंद लेकर गाते थे। ध्रुपद और ख्याल गायकी में दक्ष होने के साथ साथ ठुमरी गायन में भी वे अत्यंत कुशल थे। फयाज खान ने कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में भैया गणपत राव और मौजुद्दीन खान से ठुमरी दादा सुना था और संगीत की इस विधा से अत्यंत प्रभावित हुए थे। प्रसिद्ध रचनाएं, इनके द्वारा जो कुछ रचनाएं की गई, ठुमरी के दोनों दिग्गजों से प्रेरणा पाकर प्यास खां ने इस विधा में भी दक्षता प्राप्त कर ली थी। वे ठुमरी और दादरा के बीच उर्दू के शेर जोड़कर उसे और भी प्रभावशाली बना देते थे। इसके साथ ही टप्पे की तानों को भी वे ठुमरी गाते समय जोड़ दिया करते थे। उनके द्वारा गाई गई उपशास्त्रीय रचनाओं में निम्नलिखित रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। पहला, बनाओ बतिया चलो काहे को झूठी। दूसरा जो उनका रहा, पानी भरे री कौन अलबेली। इनके जो शिष्य रहे उसके बारे में, फयाज खां की गायकी के कुछ रिकॉर्ड भी बने। उनकी शिष्य परंपरा बहुत विशाल थी। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं, दिलीप चंद्र वेदी, उस्ताद जिया हुसैन, अजमत हुसैन, श्री कृष्ण नारायण, रता जनकर। ठीक है, ये चार इनके जो बसे बहुत प्रसिद्ध रहे। इनका निधन, रंगीले घराने के नाम से फयाज खां का घराना प्रसिद्ध था। गायन के क्षेत्र में कई ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले फयाज खां का 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में निधन हो गया। तो ये था इनका, फयाज खां का पूरा जीवन परिचय। और इनके बारे में पूछा भी जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पीजीटी टीजीटी में भी पूछा जाता है, डीएसएसबी में भी पूछा जाता है और केवीएस में भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, जान लें और हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़े। हमारे इंस्टाग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। आप टाइप कीजिए वहां पे ऑल म्यूजिक एग्जाम, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे देता हूं, तो आप वहां से जाके जुड़ जाइए। जिससे आपको कोई भी पीडीएफ हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज बतानी हो तो वहां पे मैं डायरेक्ट बता दूं। क्योंकि बच्चे से जो कमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबका कमेंट का आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2-4 के दे दिए चलो ठीक है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, मेरे द्वारा जितनी भी चीजें यहाँ पे दी जा रही है आपको अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू एवरीवन।